पटना नगर निगम का चुनाव है। मतदान बहुत तेज गति से हो रहा है। चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। वोटिंग में जनता की भीड़ काफी मात्रा में उभर रही। सिर्फ विधायक ने भी अपना मतदान दे दिया है। वार्ड नंबर 63 के बूथ संख्या 10 पर विधायक श्री रमकृष्ण यादव जी ने मतदान किया और उन्होंने मीडिया टीम को बताया कि नगर निकाय चुनाव आज पूरे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं से जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका विषय नहीं, विषय है कि शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए। मतदान का अधिकार जिनको है वो मतदान कर सकें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। नहीं जी, आप यहाँ पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, स्थानीय विधायक हैं, राज्य सरकार में 10 सालों तक मंत्री भी रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव है। नगर निकाय का चुनाव है, शहर का ये शहरी चुनाव होता है और यहाँ आम जनमानस की जो समस्याएं होती है वो सुलझाई जाती है, जहाँ सड़क से लेकर गली नाले तक है। तो क्या लगता है, क्या आधारभूत संरचना होनी चाहिए जो अब तक नगर निकाय में चुनाव में नहीं हो पाया है? देखिए, अब तो नगर निकायों का महत्व और बढ़ गया है। विधायक फंड से सड़क और गली नली बनाने का प्रोविजन बिहार की वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। अभी सारे काम वार्ड पार्षद को नगर निगम को ही करना है। आज चुनाव हो रहा है, नई टीम जीत के आने वाली है। जो नई टीम जीत के आएगी, मुझे उम्मीद है कि वो टीम पटना शहर को बेहतर बनाने में भरपूर अपना योगदान करेगी। पटना सिटी से संजीव देवड़ा की रिपोर्ट।